जो आवाज ओलंपिक्स की परफेक्ट टीम, डिफरेंट स्टॉक्स हैं अलग अलग साइजेस के डिफरेंट सेक्टर्स से, हमारे पास बैंक्स हैं, हमारे पास फाइनेंशियल्स हैं, हमारे पास टीम फिरोही है। तो आपकी स्क्रीन पर ले आता हूं, क्विक रैप अप कर देता हूं। नॉसिस ये है प्रकाश का पंच, आरती इंडस्ट्रीज ये है शाह का स्मैश, आईसीआईसीआई बैंक है गौरान का गोल, बलिगा का बुल्सआय है अमर राजा बैटरी, आशीष का एस है पिरामल एंटरप्राइजेस, अग्रवाल का एंकर है जुबिलेंट इंग्रेविया, सुदीप का स्प्रिंट है इमामी और जानी का जंप शॉट है HDFC लिमिटेड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये है जब रिकॉर्ड हाई पे बाजार है, एक्सपर्ट्स के पे बाजार है, एक्सपर्ट्स के कन्विक्शन बेट्स यहां से भी अच्छे रिटर्न्स देने का रखते हैं दबका। इस नोट पर हमको तो जीतना मेडल भार है ना, तो 4-5% ही है तो बढ़ेगा उस उम्मीद से है। कुछ खासियत है इस कंपनी की, नेट कैश पॉजिटिव है, कंपनी यहां से डबल भी हो सकती है। अरे वाह, आरती इंडस्ट्री जिसके हैं स्मैशिंग प्लान्स, इस कंपनी को रखेगा अपने रडार। तो नतीजे जो हमने देखे थे आशीष वो काबिले तारीफ थे, हमारी जो उम्मीदें थी उस पर उससे भी ज्यादा खरे उतरे हैं और मैं ये उम्मीद रखता हूँ रेलवेज, पावर सेक्टर, कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन इत्यादि। तो मेरा EPS का अनुमान है फॉर FY23 करीब 49 का, और यदि आप जिएंगे तो ये जो 7 लेटर हैं यही मेरे जो मैंने स्टॉक आइडेंटिफाई किया है कोइंसिडेंटली उससे बिल्कुल मिलते हैं उन सेगमेंट्स में, और 18% मार्केट शेयर तो इनका विटामिन B3 में है। कंपनी की पुरजोर कोशिश ये रही है कि मार्जिन में सुधार हो, डेट में रिडक्शन है मार्केट में। इसके अलावा जो न्यू लॉन्चेस इन्होंने किए हैं, ब्रांड एक्सटेंशंस, फाइनेंशियल स्पेस के अंदर हम कोई टॉप 2 या 3 कंपनी की बात करें तो उसमें HDFC डेफिनेटली नंबर 1 पे रहेगा। दूसरी एक अच्छी बात है